नमस्कार दोस्तों, आप अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से फ्लावर वाले सीन के साथ। बिल्कुल दोस्तों, आजकल जैसा मौसम बिल्कुल भी नहीं है, और कल तो जैसे कितना अच्छा मौसम हो रहा था सुबह के वक्त, लेकिन आज तो सुबह सुबह अच्छी खासी धूप निकल आई है, और बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हो, और फिर से वही गर्मी, फिर देखो दोबारा कब आएगा वो मौसम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गार्डन के सीक्रेट्स। तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा ना, मैं गार्डन के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो कि बिगिनर हैं गार्डनिंग में, उनके लिए बहुत काम आने वाली हैं, जो शायद पुराने हैं उनको भी एक आधी बात नहीं पता लग जाए। और वैसे दोस्तों, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी जितनी मुझे पता है या जितनी वीडियो में कवर हो पाएंगी, वीडियो को भी ठीक ठाक रखते हुए, ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है, जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हो या अपने घर में ही उगाते हो, सबसे पहले उसको देखना होता है कि वो धूप वाला प्लांट है, या जैसे कि वो धूप वाला प्लांट था गोरी चोरी वाला, है ना, और जैसे कि इनडायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है, और कुछ प्लांट है दोस्तों जो शेड लविंग प्लांट है, और कुछ प्लांट होते हैं दोस्तों जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करते हैं, उनको डायरेक्ट पसंद नहीं है, सिर्फ ऐसी जगह रख दो जिसमें कि अच्छी सी रोशनी आती है जिस जगह पे। और कुछ प्लांट होते हैं दोस्तों जो कि आप अगर विंडो में भी रखोगे तो हल्की फुल्की रोशनी में भी वो चल जाएंगे। तो सबसे पहले तो नर्सरी से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो ये पता कर लिया करो कि ये प्लांट मुझे कहाँ रखने हैं, और इस माली ने अगर रख रखे हैं तो कहाँ रख रखे हैं, और सारी की सारी दोस्तों उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया करो जब भी आप प्लांट लेके आते हो। कई बार दोस्तों क्या होता है कि वो समर का प्लांट कह के हमें बोल के दे देता है, और क्या करते हैं हम बड़े शौक से उसको आके गमले में लगाते हैं और सीधा डायरेक्ट सूरज की रोशनी में उसको पटक देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना कई बार, लेकिन ऐसे नहीं करना है दोस्तों। कितना भी गर्मी का प्लांट हो, सबसे पहले आपने उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ऐसा जहाँ ब्राइट सनलाइट ना आती हो, एकदम से उसके पत्ते ना झुलसे, जैसे कि अब वाली गर्मी चल रही है, आगे जो मौसम ठीक होगा तब तो भले ही उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ब्राइट में भी रख देना, लेकिन अब जो इतनी तेज गर्मी चल रही है ना, कम से कम हफ्ता 10 दिन तक आपने उसको साइड में रखना है ताकि वो अपने आप को सेट कर सके। और दोस्तों, देखने से ही प्लांट के पता लग जाता है कि अब ये सेट हो चुका है, कि हाँ अब ये ठीक हो चुका है, स्टैंड कर चुका है, तो फिर आपने उसको, अभी तो जैसे गर्मी चल रही है तो आपने इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है अपने सभी प्लांट को। और जैसे कि अगर हम फरवरी में या मार्च अप्रैल में लगाते हैं तो आप बिल्कुल थोड़े दिन उसको साइड में रख के फिर आप उसको धीरे धीरे से सनलाइट में लाना शुरू करो, पहले थोड़ी सी सनलाइट में फिर ज़्यादा सी में। और दूसरी बात दोस्तों, आपने सबसे पहले उसकी सोयल के बारे में भी पता करना है कि किस तरह की सोयल इसको पसंद है। आपने दोस्तों ज़्यादा सी खाद डाल के, या दोस्तों कई बार हमारी गली के बाहर भी जो पौधे देने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, जब भी प्लांट लाते हैं उनको अपनी एक वो खाद से का पैकेट बेचना होता है, तो वो शुरुआत में ही खाद मिला देते हैं, और जिस टाइम आप लगाते हो ना उसको प्लांट को, तब तो आपको बड़ी खुशी होती है, वो पानी भी दे के जाएगा, खाद भी डाल के जाएगा, सब कुछ करके जाएगा, लेकिन वो मत डलवाया करो, और बड़ा सा पैकेट अपना घर में ला के रख लिया करो। पहले उसको दोस्तों अपनी गार्डन सोयल में या जो भी मिला के, रिवर सैंड मिला के आपने अपना प्लांट लगाया, कुछ दिन उसको पहले सेट होने दिया करो, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक तो गर्मी के प्लांट है वो, और ज़्यादा गर्मी के कारण अगर वो उसकी गर्म खाद हुई तो आपका प्लांट वैसे ही बर्न हो जाएगा, और फिर आप थोड़े दिन बाद कहते हो कि हमारे प्लांट खराब हो रहा है, अभी हमने माली से लगवाया था 2-4 दिन पहले, इसकी सारी पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो वही यही कारण होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता उसकी खाद में क्या मिला हुआ है, क्या चीज़ है वो। और कई बार दोस्तों गोबर की खाद वगैरह भी ये लोग पैकेट में रखते हैं, और हमें नहीं पता फुली डिकम्पोज है नहीं है, क्या पैकेट बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वो जब भी वो डालें तो उनसे ना डलवाया करो, और हो सके तो ना खुद से ही उस प्लांट के बारे में सर्च करके, उसका नाम पता करके, तब खुद से अपने हाथों से प्लांट लगाया करो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अगर हम माली से प्लांट लगवाते हैं तो हम उतना टच ही नहीं हो पाते प्लांट से, उसका क्या काम है, उसको तो आप बोलोगे तो वो अपना लगा के चला जाएगा, लेकिन हम उतना ज़्यादा उसके साथ संपर्क में नहीं आ पाते, क्योंकि एक वो नया नया पौधा है, और अगर हम खुद से उसको गमले में लगाते हैं, खुद से उसका ध्यान रखते हैं, तब प्लांट ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, और आपको उस प्लांट के बारे में नॉलेज भी होती है, और आप फिर उसको अपने तरीके से ध्यान रख के लगाओगे तो प्लांट आपका मरेगा नहीं। ज़्यादातर प्लांट मरते भी ऐसे हैं कि हम किसी और से लगवाते हैं, माली वगैरह से,
और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप खुद से प्लांट लगाओगे ना, तो जो आपके प्लांट के मरने की जो एक परसेंटेज है ना, वो कम होती चली जाएगी रियली, क्योंकि आप बड़े प्यार से उसको लगाओगे, बड़े ध्यान से एक एक चीज को देख के, ड्रेनेज होल गमले का खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है ना, थोड़ी सी गमले में अपनी गार्डन की पत्तियां भरोगे, उसको क्या हो तो फटाफट लगा के अपना चला जाएगा, चाहे जैसी मर्जी सोयल आपकी। और कई बार तो दोस्तों इतनी हार्ड सोयल होती है, उसमें वो प्लांट लगा देते हैं और हल्की सी भी एक दो दिन अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिला तो प्लांट अपना डेड हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो नई जगह पे लगा हुआ है और दूसरा उसको रूट फैलने के लिए इतनी अच्छी सोयल नहीं मिल रही, और उनकी खुरपी दोस्तों तेज होती है, वो फटाफट से मिट्टी खोद के अपना लगा देते हैं, जितनी भी हार्ड सोयल हो। लेकिन जब हम खुद से लगाते हैं, अपने टूल से लगाते हैं, तो हमें पता होता है हमें कितना मतलब हार्डली खोदना पड़ रहा है, और हमें जब इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है उसको मिट्टी को खोदने के लिए, तो अगर प्लांट अगर ग्रो करेगा तो इस मिट्टी में कैसे करेगा, ये हम खुद से ही सोचेंगे है ना, खुद से ये देखेंगे, और फिर हम उसकी सोयल को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी फ्लफी हो, थोड़ी सी लाइट मीडियम हो, फिर हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे गर्मी है ना, जो भी होगा हमारे पास। तो ये बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती है खुद से प्लांट लगाने की। और तीसरी बात जो है दोस्तों, वो तो मैं गर्मी की बताई चुकी हूँ कि ग्रुप में प्लांट रखो, वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपके नए नए प्लांट लगे भी हुए हैं या पुराने भी हैं, तो अगर उनकी पत्तियां पुराने वाली ब्राउन हो रही हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हर चीज दोस्तों पुरानी होने के बाद सूखेगी, वो झड़ेगी भी, जो पुराने लीव्स हैं। बात तब अलग होती है अगर आपकी जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो जली हुई सी आ रही है, या वो अच्छी नहीं आ रही, या वो पीली होके गिर रही है, तब होती है बात, तब आप इलाज कर सकते हो उसका। और इलाज उसका दोस्तों यही है कि मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है कई बार प्लांट में, आयरन की कमी हो जाती है। तो एक नेचुरल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर इस तरह की समस्या है, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट भी नहीं है, तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता का पेड़ है या आसपास में ही पेड़ है, तो आप उसके पत्तों से अपने प्लांट की गुड़ाई करके उसकी मल्चिंग कर दो। तो कड़ी पत्ता के जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों, उसमें इतना आयरन होता है कि धीरे धीरे आप देखोगे एक तरह से आपकी खाद भी बन जाएगी उन पत्तों की, और धीरे धीरे जो आपका प्लांट है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और चौथा दोस्तों, कि जब भी हम खाद वगैरह लेते हैं, तो कई बार मेरे बहन भाई बार बार पूछते रहते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे भी या चैनल पे भी, कि हमारा इतने दिन का खाद है ये है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो खाद कितना पुराना है, सबसे पहले आपने ये देखना है उसमें से स्मेल ना आ रही हो, एक तो बिल्कुल भी स्मेल ना आ रही हो, जैसे अपनी सोयल होती है ना वैसी ही खाद हो जाती है दोस्तों, अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो अच्छे से डीकम्पोज नहीं हुई है। डीकम्पोज होने का मतलब है उसमें कुछ भी पैदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, एकदम से मिट्टी की तरह होनी चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से डीकम्पोज नहीं होगी, तो आप प्लांट में डालोगे, एक दो दिन तो आप खुश होगे डाल के कि हाँ बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन तीन चार या पांच दिन के बाद आप देखोगे कि आपके प्लांट मरने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो भी उसमें डीकम्पोज होने वाली चीजें हैं वो अच्छे से डीकम्पोज नहीं हुई, और उन्होंने, उनकी गर्माहट ने आपके प्लांट की जो रूट है उसको बर्न कर दिया। तो एक समस्या ये भी होती है। तो सबसे पहले कम से कम आपने 5-6 महीने पुरानी खाद लेनी है, और ऐसे ही अपनी कंपोस्ट बनानी है अपने घर पे। और ये कंपोस्ट, जैसे कि दोस्तों आप पूछते रहते हो कैसे बनाती हूँ मैं, तो मैं अपना तरीका बताती हूँ आपको। आपने बड़े बड़े गमले लेने हैं, एक सबसे इजी तरीका बिना किसी बाहर के मतलब सामान के लिए हुए, आजकल तो कंपोस्ट बनाने के बिन्स आ गए हैं, अगर वो नहीं लेने आपने, तो आपने क्या करना है, 2-3 ऐसे बड़े बड़े गमलों को खाली लेना है। और जब आपका एक गमला भर जाता है पूरा आपके किचन के वेस्ट से, पत्तियों की तो आप बाहर ही रख के बना लो, वो तो अपने आप बन जाएगी, ड्राई होके सूख जाती है, मेन होती है जो हमारे मोटे मोटे सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ छिलके तो दोस्तों सीधे अपने आप डाल सकते हो, प्याज के हो गए, लहसुन के हो गए, बादाम वगैरह के हो गए, चाय पत्ती होगी, ऐसे ऐसे जो ड्राई से छिलके हैं ना, या अच्छा इसके अनार वगैरह के हो गए, या आलू उबालने के बाद जो छिलके निकालते हो आप वो वाले हो गए। तो जो दूसरे वाले छिलके ना दोस्तों, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका पल्प जो है मोटा होता है, तो वो आपने बस यही करना है कि गमला उससे भर लेना है, और फिर अपनी गार्डन की सोयल डाल के उसमें कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह लगा दो।
तो आप धीरे धीरे देखोगे, जब आप उसको खोद के देखोगे तो आपकी कंपोस्ट बनी होगी, इतने आप इतने उसमें कुछ हो रहा है तो इसने दूसरे वाला भर दो, और जो दूसरे वाला भर जाएगा तो पहले वाली जो आपकी खाद है वो कंपोस्ट है वो बन चुकी होगी, उसको आप अपने गार्डन में यूज कर लो। और फिर इसी तरह से दूसरे वाले में कर दो, मिट्टी डाल के कुछ ना कुछ लगा दो, पालक लगा दो, धनिया मनिया ऐसे पुदीना लगा दो, कुछ भी लगा दो। इससे क्या होगा, डेली तो आप उसमें पानी दोगे, है ना, जल्दी से कंपोस्ट तैयार होगी। ड्रेनेज होल चेक करना है, ड्रेनेज होल खुला हुआ होना चाहिए और बढ़िया से एरिएशन होनी चाहिए, तो आप देखोगे आपकी सब्जी की सब्जी तैयार होगी घर में, और दूसरा अपना कंपोस्ट बन गई। फिर आप उसको सारी को निकाल के अपने गमलों में डाल दो। और दोस्तों गार्डन टिप्स में सबसे बड़ी बात ये आती है कि ज़्यादातर जो पसंदीदा प्लांट है लोगों का वो गुलाब ही होता है। और गुलाब में दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही और मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा जितना कि मुझे चलना देखना है उसको, तो मैं तभी उसमें क्या करती हूँ, ज़्यादातर उसमें फंगस की समस्या आती है, और फिर मैं उसमें क्या करती हूँ, कोई भी फंजीसाइड है जैसे अपना ब्लैक पेपर पाउडर है, है ना, काली मिर्च का पाउडर होता है जो, हल्दी का पाउडर होता है और दालचीनी का पाउडर होता है, इन तीनों का मिक्स बना के और मैं थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके और उसमें डाल देती हूँ, और एक दो दिन पानी नहीं देती, ताकि एकदम से पानी दोगे दोस्तों फिर फंगस ख़त्म नहीं होती, एक दो दिन ट्रीटमेंट करने के लिए आपने उसको ऐसे छोड़ना है, ताकि अच्छी तरह से नीचे तक इसमें सूरज की रोशनी भी जा सके और ये जो चीज़ें हमने डाली हैं थोड़ा सा अपना असर करें। अगर चींटियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं तब भी आप ये वाला फार्मूला अपना सकते हो। तो इस तरह के कोई भी इंसेक्ट का अगर आपको असर दिखाई दे रहा है तो, और टाइम टाइम पे दोस्तों जैसे मीली बग्स का अटैक हो गया, स्पाइडर का अटैक हो गया, वो तो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, वो एक बार आप अच्छे से देख लो। और नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हमारे गर्मियों वाले बिल्कुल बिल्कुल गर्मियों वाले प्लांट हैं, जिन्हें कि बिल्कुल हॉट गर्मी पसंद है, जैसे कि अपने एडीनियम्स हो गए, तो इन पे अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है, अच्छे से फ्लावरिंग लेनी है फूलों वाले पौधों में, तो महीने में दो चार दाने हर फूलों वाले प्लांट में डीएपी के डाल दिया करो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रूट सिस्टम है ना प्लांट का, वो मजबूत हो जाता है। और फूलों वाले प्लांट में दोस्तों हमने करना क्या है, हमने फूल ही खिलाने हैं, अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे। तो डीएपी से क्या होता है, एक मजबूती आती है प्लांट में, प्लांट का रूट सिस्टम से लेके और फूल खिलाने तक, कली के बनने तक, है ना, और मतलब सारी की सारी जो भी प्रोसेस होती है एक प्लांट की वो अच्छी मजबूत हो जाती है। तो कुछ दाने अपना डीएपी के डाल दिया करो। और दोस्तों आपने ये जब पूछते हो ना मुझसे कि कितने दाने डालें, कितनी परसेंटेज डालें, तो ये कोई पूछने वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका प्लांट कितना बड़ा है, आपका गमला कितना बड़ा है, कितना उसका साइज है, तो उस हिसाब से अपने दिमाग से अपने आप सोच के डाल लिया करो। अब एक छोटा सा गमला है 10 इंच का, उसमें 3-4 दाने बहुत हैं, एक इतना बड़ा गमला है 20-22 इंच का, उसमें 12-15 दाने डलेंगे, तो ये खुद से सोचने वाली बात होती है, ये कोई कमेंट कर करके पूछने वाली बात नहीं होती। फिर मुझे ना क्या होता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है रियली, कि कम से कम इतना तो आदमी सोच ही सकता है कि ये मेरा इतना छोटा सा गमला है इसमें थोड़े से डाल दूँ, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़े से बढ़ा दूँ उसमें, है ना, तो ये खुद से सोचने वाली बात होती है। और कई बार दोस्तों हमारे बड़े बड़े गमलों में इतने बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, अब मैं उसमें कहूँ 3-4 दाने डाल दो तो उससे कुछ नहीं होगा, है ना, तो अपने दिमाग से सोच के ये काम किया करो, चाहे वो किसी भी चीज़ का यूज हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं होती, इसमें अपना ही दिमाग काम करता है, अपना ही तरीका काम करता है, इसमें कोई ऐसे पूछने या बताने वाली बात नहीं होती। तो उम्मीद है ये छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, और यही काम दोस्तों अपने इंडोर प्लांट के साथ करना है। इंडोर प्लांट तो वैसे ही थोड़े से बचे रहते हैं, है ना, गर्मी से, लेकिन फिर भी आपने डेली शावरिंग करके उन पे वाटरिंग करनी है। शावरिंग करके अगर आप करते हो ना उन्हें अच्छा लगता है, इंडोर जो भी प्लांट्स रखे हुए हैं। और अरे इस वीडियो में ना वो शकरकंद अच्छी अंदर ग्रो कर रही है वो विंडो में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो दोस्तों बाहर थी, मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए हुए थे शकरकंदी के, मैंने एक बार लगानी सिखाई थी तो बाहर की, तो दोस्तों मेरे बंदर भी उखाड़ गए और पता नहीं गिलहरी ने भी निकाल के खा ली वो शकरकंदी के टुकड़े जो मैंने आपको सिखाए थे। लेकिन दोस्तों मेरी विंडो में ना अंदर की तरफ इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, और वाकई में उसने सारी की सारी ग्रिल भी घेर ली है, और इतनी सुंदर लग रही है, लगी हुई, लग भी नहीं रहा कि ये शकरकंदी की बेल है, इतने सुंदर पत्तों का डिजाइन होता है, तो इसका लगी हुई भी अच्छी लगती है। तो जिस मेरे बहन भाई ने अंदर लगानी है ना, वो अंदर तो बेशक लगा लो शकरकंदी लेके, उसके टुकड़े काट काट के, मेरा वीडियो देख लेना स्वीट पोटैटो वाइन का,
तो जैसे मैंने लगाना सिखाया है तो आपके भी अंदर बहुत अच्छी ग्रो करेगी, और मेरी कर रही है तो आपकी भी करेगी। तो फिर किसी वीडियो में दिखा दूंगी, अभी ध्यान नहीं रहा मुझे, अभी अंदर जाना पड़ेगा नहीं तो। तो बस इसी तरह से दोस्तों, आपके सारे के सारे प्लांट हैं, चाहे आपके हैंगिंग बास्केट के प्लांट हों, चाहे आपके डेकोरेशन के प्लांट हों, चाहे आपके बालकनी में रखे हों, चाहे आपके खुले में रखे हों, चाहे आपके इंडोर रखे हों, बस ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान देनी है कि इस प्लांट की क्या तासीर है, इसको मैंने कहाँ रखना है, इसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। और कई बार तो दोस्तों आप कुछ भी नहीं डालते ना, सिर्फ आप अपने पानी देने का टाइम बढ़िया सेट रखते हो, और उस प्लांट को अगर आप प्रॉपर जगह रखते हो ना तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती रियली। जैसा कि मेरे बहुत सारे प्लांट है, मैंने उन्हें कभी आज तक कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ उनका टाइम सेट है पानी देने का, और बढ़िया सी जगह वो रखे हुए हैं, और मैं उसमें कुछ भी नहीं देती, लेकिन फिर भी वो अच्छे चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हर चीज़ का टाइम सेट होना और उनको अच्छे से प्रॉपर जगह पे प्लेस करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा गार्डनिंग टिप है दोस्तों, बजाय कि कुछ देने के। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इन्हें आप गार्डनिंग सीक्रेट समझ लो, गार्डन के हैक समझ लो, या बिगिनर्स के लिए छोटी छोटी टिप समझ लो प्लांट लगाने से पहले। तो बस ये गार्डन तो आप देख ही रहे हो, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो और ज़्यादा बातें बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक आधे का कमेंट आएगा इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया। तो बस वीडियो को अभी यही खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर दोस्तों पेड़ पौधे लगाते रहो, है ना, अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा अच्छा करो ताकि आपको अच्छा लगे अपने घर में रहना और सारी चीज़ें एंजॉय करना। तो बस थैंक यू वेरी मच।